केरल के कोझिकोड के बाद अब कोची में भी शिगेला बैक्टीरिया से संक्रमण का मामला सामने आया है। बुधवार को सामने आए मामले से स्वास्थ्य कर्मियों में डर का माहौल है। एर्नाकुलम के जिलाधीश एस सुहास ने बताया कि एक 56 साल की महिला को इस संक्रामक बीमारी से ग्रसित पाया गया है। उन्होंने बताया कि महिला का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों और आसपास की जगहों में जल निकायों को क्लोरिनेट किया जाएगा और स्वास्थ्य अधिकारी इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर ये संक्रमण आया कहां से। अधिकारियों का कहना है कि चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोची बैक वाटर्स और नदियों सहित कई जल निकायों से घिरा हुआ है। जिले के मेडिकल ऑफिसर ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए शाम को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कोझिकोड जिले में 2 सप्ताह पहले 11 साल के एक लड़के की मौत के बाद पहली बार बैक्टीरिया के प्रकोप का पता चला था। बाद में कम से कम 36 लोगों के संक्रमित होने का पता चला। हालांकि 1-2 सप्ताह के बाद ये सब लोग ठीक हो गए। शिगेला बैक्टीरिया गंदे पानी या बासी भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के बाद कोशिकाओं पर हमला करता है। ज्यादातर मामलों में विशेषज्ञों ने कहा रोगियों को दस्त और बुखार का अनुभव हो सकता है और कुछ समय बाद लक्षण कम हो सकते हैं। साथ ही विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों के डायपर बदलने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और स्विमिंग पूल या झीलों में पानी नहीं बहाया जाना चाहिए। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।